कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के वक्त अब्दुल रशीद अनंतनाग के मेहंदी कदल में तैनात थे और उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। उन्हें पेट में गोली लगी थी। उन्हें अनंतनाग के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें विशेष उपचार के लिए बादामी बाग कैंट में सेना के 92 बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया। डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद राशिद की मौत हो गई। मैं तो इतना कहूंगा कि एक और जम्मू कश्मीर का रहने वाला शहीद हुआ, खून हमारे लोगों का बह रहा है और ये जो पार से इन्होंने जंग छेड़ी है, इसका असल अल्टीमेट नतीजा है कि यहाँ के लोग ही शहीद होते हैं, वो एक अच्छी चीज नहीं है।